अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग डायरीज। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं किचन में कुकिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन खाना ज़रूर बना रही हूँ। मेरे बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो मैंने कहा चलें जल्दी से खाना तो बनाऊँ। खाना मेरा बन रहा है, लेकिन मैं आज आपसे एक बात ही शेयर कर रही थी, वो दिनों से करना चाह रही थी, तो आज मौका मिला तो मैंने कहा चलें आपके साथ। अच्छा, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मार्केट में एक ये मैगजीन मिलता है जो कि है अकरी के नाम से, और ये बहुत फेमस है। और मैं भी इसको लेकर आई और इसको मैंने पढ़ा, तो मुझे वाकई में जो मुझे लगा कि इसमें बहुत से काम की चीज़ें हमारे जो रूहानी और जिस्मानी जो हमारे मसाइल हैं उनका इसमें हल है। तो फिर ये है कि मैं लेकर आती हूँ हर महीने, तो वो नहीं लेकर आती, लेकिन ये कि अब जैसे शाबान का महीना आया है और रमज़ान आ रहा है, तो शाबान और रमज़ान के हवाले से ना इसमें बहुत सी ऐसे वज़ाइफ होंगे जो हमें करने चाहिए और उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और बहुत से आप कह सकते हैं कि रूहानी और जिस्मानी मसाइल का इसमें हल है। इसमें टोटके भी बहुत है, अगर आपको किसी को स्टमक का प्रॉब्लम है, किसी का को कोलेस्ट्रॉल है, किसी का यूरिया बढ़ा हुआ है, किसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें हर चीज़ का हल है। इसमें लोग अपने तजर्बात भी आपको बताते हैं कि उन्होंने इसमें से जो टोटके यूज़ किए हैं या जो रूहानी वज़ाइफ किए हैं, तो उससे उनको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो बस ये आप लोग लेकर आए। इसका टाइटल बड़ा बहुत अच्छा था, इसके जो टाइटल पे जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं ना, वो इतनी अच्छी होती हैं कि आपका दिल चाहता है कि आप इसको वो ख़रीद लें फ़ौरन और इसमें पढ़ें। और आपको तभी चैन आता जब आप पढ़ लेते हैं कि हमें कोई टोटका पता चल जाए या कोई वजीफ़ा पता चल जाए। तो इसमें एक रमज़ान की मुनासबत से एक सूरह कौसर और बरकत वाली थैली का अमल है, और साथ में इन्होंने लिखा है कि फ़कीर को रईस बना दें, तो ये इसमें है। और अफ्तार दस्तरखान पर कलेजी के चटखारे और अनोखे फ़वायद हैं, और ईद से पहले जवान नज़र आना, तो ईद पे कौन है जो अच्छा नहीं नज़र आना चाहता। तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें और पढ़ें। और ये मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ इसकी, ये तो मैं बस आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करना चाह रही थी कि जो काम मैं खुद करती हूँ वो मैं आपको भी बताऊँ, इससे अगर फ़ायदा होता है किसी को तो। पब्लिसिटी की तो खैर इसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतना खुद ही इतना मशहूर मैगजीन है। तो अकरी के नाम से एक चैनल भी है, आप लोगों को पता होगा। तो ये है कि ईद से पहले अगर जो लोग जवान नज़र आना चाहते हैं ना, तो वो इसको ले आए। और भी इसमें बहुत से हैं टाइटल हैं कि शुगर कंट्रोल करने का इसमें बताया हुआ है कि शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप। इवन के हर चीज़ इसमें आ जाती है, जैसे खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई मसला है तो वो रिलेट कर सकता है किसी दूसरे की आप बीती के साथ, और वो वही वज़ाइफ कर सकते हैं। उसमें कुरान के हवाले से जैसे ये सूरह कौसर है, तो ये आप खुद देख लें कि कुरान की ये सूरह है और कितने इसके फ़वाद हैं इसके पढ़ने के। तो बस ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने कितनी तादाद में पढ़नी है और हमने कितनी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, तो वो उससे फिर उसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आप इस मैगज़ीन को लेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो जल्दी जल्दी जाके ले लें। तो चलें फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।